हेलो दोस्तों, BNT यूनिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं बंटी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BNT यूनिक। दोस्तों तो दोस्तों फर्स्ट बात तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरे 200 सब्सक्राइबर पूरे हो गए दोस्तों। वैसे बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, फिर भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैंने इस अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए आप लोगों के लिए और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ अपलोड किए मैंने आपके लिए, और शायद मेरी वीडियो से आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिली होगी दोस्तों। तो आप लोगों का प्यार देखते हुए मेरे एक वीडियो तो अच्छा खासा वायरल भी हुआ जिसमें कम से कम 2.4K व्यूज भी आए हैं, और उम्मीद करता हूँ उसके ऊपर और भी ज़्यादा प्यार दिखाएंगे और भी ज़्यादा व्यूज आएंगे। और अब आज मेरे 200 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए, तो वो भी आप सबका प्यार ही है दोस्तों। और मैं यही उम्मीद चाहता हूँ कि नेक्स्ट आप मेरे को ऐसा ही प्यार दिखाते रहे, मेरे को ऐसे ही अच्छे खासे सब्सक्राइबर मिलते रहे, मेरे वीडियो को आप लोग ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहे, मेरे वीडियो को शेयर करते रहे और मेरे वीडियो को लाइक करते रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जो स्मार्टफोन के अंदर कुछ फीचर्स ऐसे आते हैं जो या फिर तो डेवलप हुए ही नहीं है या बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए, जिन चीज़ों की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है वो आपके फ़ोन के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, और आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फीचर्स है जो आपके फ़ोन में फालतू के हैं। कुछ 5 फीचर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों हमारी लिस्ट के अंदर जो सबसे पहला फीचर है फ्रंट फ्लैश। दोस्तों फ्रंट फ्लैश की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, फ्लैश लाइट एक अलग चीज़ होती है और हमें जो फ्रंट फ्लैश में दी जाती है वो एक अलग चीज़ होती है, उसमें सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। फ्लैश होती है फ्रेंड्स, फ्लैश होती है उसको जानने का सबसे सही तरीका, फ्लैश हमेशा 2 सेकंड से ज़्यादा या 1 सेकंड से ज़्यादा या 0.5 सेकंड से ज़्यादा वर्क नहीं करती है। जब आप फोटो क्लिक करते हैं फ्लैश आई और चली गई, बस एक या 2 सेकंड का ही इसमें जो मोमेंट होता है वही फ्लैश होती है। बट हमारे जो फ्रंट मोबाइल के अंदर दी जाती है वो फ्लैश नहीं, वो एक टॉर्च होता है और उसमें छोटा सा बल्ब लगा होता है। जब हम उससे फोटो क्लिक करते हैं तो हमारे इंसान जैसे शक्ल चूहे जैसी हो जाती है, आंखें बंद हो जाती है, थोपड़े की शक्ल बिगड़ जाती है और टेढ़ी मेढ़ी रोटी की तरह हमारी शक्ल हो जाती है। तो दोस्तों ये फीचर मेरे को नहीं लगता कि किसी काम का है, अगर कंपनी को देना है तो इस फीचर की जगह वो अपना दे स्क्रीन फ्लैश फीचर, जो काफ़ी फ़ोनों के अंदर प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों स्क्रीन फ्लैश फीचर के अंदर हमारी जो आंखों पर ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ता है, फोटो भी क्लीन आती है। तो दोस्तों उन लोगों को इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो सेकेंड नंबर हम ले लेते हैं वायरलेस चार्जिंग। दोस्तों वायरलेस चार्जिंग मेरे को सबसे ही घटिया लगता है स्मार्टफोन के अंदर जो ये फीचर दिया गया। अब दोस्तों बात करते हैं, देखो एक कटोरी जैसा देता है, ढक्कन जैसा देता है, उसके ऊपर अपना हमारा फ़ोन रखना होगा, फ़ोन रखने पे फ़ोन चार्ज होता है। तो एक तो फ़ोन फास्ट चार्ज ही होता है, बड़ा ही धीरे धीरे चार्ज होता है, सबसे कमी तो इसकी ये है। उसके बाद में अपने फ़ोन को सटीक रखना पड़ता है उसके ऊपर, अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा आपने रख दिया तो फ़ोन हो जाएगा नाराज और वो मना कर देगा, नहीं भाई मैं तो चार्ज नहीं हो रहा, जो करना है कर लो। तो दोस्तों फ़ोन की भी बड़ी दादागिरी स्टार्ट हो जाती है उससे। और दोस्तों वो लोग बोलते हैं वायरलेस है, अब जो कटोरी जैसा वो देते हैं उसके अंदर तो चार्जिंग पिन लगी होती है, अब चार्जिंग पिन लगी होगी तो कैसे वो वायरलेस हो गया मेरे को नहीं पता। और जो लोग हैं जो दीवाने हैं कि हमें वायरलेस चार्जर मिल जाएगा मज़ा आ जाएगा ऐसा आ जाएगा, मैं भी ये सोचता था यार जेब में फ़ोन डालो कहीं भी घूमो वायरलेस चार्जर होगा चार्ज हो जाएगा, पर नहीं भाई फ़ोन उसके ऊपर रखोगे तो ही चार्ज होगा बाकी चार्ज नहीं होगा। तो इससे अच्छा तो हम पिन ही डाल के चार्ज कर लें, उसको मतलब सेफ रखना पड़ा है। दोस्तों जो वायरलेस चार्जर का जो पोर्ट आता है जो गोल गोल जिसके ऊपर फ़ोन रखना है, अगर उसके ऊपर थोड़ा सा भी झटका लगाया एक बार भी वो गिर गया तो वो ख़राब हो जाता है दोस्तों, बहुत ही लो क्वालिटी के आते हैं भले कंपनी के फ़ोन के साथ भी आए। तो दोस्तों मेरे को ये वायरलेस चार्जर वाला सबसे बेकार लगा कि वायरलेस चार्जर किसी भी फ़ोन में नहीं होना चाहिए, जो वायर वाले चार्जर है वो ही हमारे लिए सफिशेंट और सबसे अच्छे हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो हम गूगल असिस्टेंट की बात करते हैं, और काफ़ी सैमसंग वगैरह मोबाइल में ज़्यादातर ये अच्छी तरीके से वर्क करते हैं, जिसके माइक अच्छे होते हैं, चाइना मोबाइल में अच्छे से वर्क नहीं करते ये। तो दोस्तों उसमें अब गूगल असिस्टेंट की बात करते हैं, गूगल असिस्टेंट में हम सर्च कुछ करते हैं उसको कमांड कुछ और देते हैं और वो कमांड लगाता कुछ और एक वर्क कुछ और करता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों हम उसको बोलते हैं जैसे कॉल द रमेश, तो वो कॉल द राकेश को कॉल कर देता है, राकेश को कॉल कर देता है। हम
उसमें बच्चा सर्च करते हैं उसमें कच्चा सर्च हो जाता है, हम उसमें सर्च कुछ करते हैं सर्च कुछ और हो जाता है दोस्तों, वो सब मतलब इस चीज़ की हमें वैसे ज़रूरत भी नहीं है। हम मैसेज में कुछ और बोलते हैं वो कुछ और समझ के लिख देता है, हम हिंदी में बोलते हैं वो इंग्लिश में लिख देता है, हम इंग्लिश में बोलते हैं वो मराठी में लिख देता है, पता नहीं क्या है दोस्तों। तो मेरे को नहीं लगता ये, और वैसे भी ये डेवलप नहीं है दोस्तों, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है, हमें यूज़ नहीं आता। हाँ उसमें कुछ कमांड है जो कमांड प्रॉपर कमांड देने, जैसे म्यूजिक दे दिया आपने, कैमरा दे दिया, ओपन द कॉन्टेक्ट बोल दिया है ना, तो ऐसे छोटे ओपन द फाइल बोल दिया, जैसे कि आपने कुछ भी ओपन द गैलरी बोल दी, तो बस ये ही वर्क करेंगे, ज़्यादा अच्छा कुछ खास वर्क नहीं करेगा ये काम। अपने हाथों से भी हम नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता गूगल असिस्टेंट किसी भी प्रकार का हमारे लिए किसी काम का है। तो नेक्स्ट होता है नॉच डिस्प्ले, हर मोबाइल के अंदर नॉच डिस्प्ले दे रखी है, मोबाइल के थोपड़े बिगाड़ रखे हैं, ठीक है। सलमान खान को कादर खान बना रखा है, कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों, बेकार से, मतलब नॉच डिस्प्ले हमारे किसी काम की नहीं है। नॉच डिस्प्ले में ऊपर की तरफ नॉच डिस्प्ले दी जाती है और उसमें हमारे काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो कट जाती है, दिखाई नहीं देती, उसके पीछे छुप जाती है दोस्तों। आप देख सकते हैं जिसकी नॉच डिस्प्ले है ऊपर जो टाइम दिखाता है, नोटिफिकेशन दिखाता है, वो उसके पीछे छुप जाता है। तो भाई ऐसी नॉच डिस्प्ले हमारे क्या काम की है, जब हम पूरा पैसा दे रहे हैं, 6-6 इंच के फ़ोन ले रहे हैं, 7-7 इंच के फ़ोन ले रहे हैं, 5-5 इंच के फ़ोन ले रहे हैं, उसके अंदर आप उसमें ग्राफिक के अंदर काफ़ी कमी हो जाती है। जब आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं दोस्तों तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ पे नॉच डिस्प्ले दी जाती है आपको फुल डिस्प्ले उसमें दिखाई नहीं देती, एकदम बेकार से ऐप है, किसी काम का है, सॉरी किसी काम का ये फीचर नहीं है दोस्तों, जिसमें नॉच डिस्प्ले दी जाती है। नॉच डिस्प्ले मेरे हिसाब से एकदम से बेकार है, किसी काम की नहीं है, सिर्फ थोपड़े को बिगाड़ा गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रैम की, तो दोस्तों आने वाले टाइम में रैम के नाम पे आपको लूटा जा रहा है और आप लूट जाओगे दोस्तों, क्योंकि रैम के नाम पे आपको दी जा रहा है 6 GB रैम, 10 GB रैम, 8 GB रैम, 100 GB रैम, 500 GB रैम। भाई इतनी रैम का हम करेंगे क्या, हमें सच बताओ ना 3 GB 4 GB रैम हमारे लिए सफिशेंट है दोस्तों, क्योंकि रैम सिर्फ इतना ही काम आता है कि बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप्स को अच्छे तरीके से वो रन करवा सके, इससे ज़्यादा इसकी रैम की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों रैम, ज़्यादा रैम हमारे किसी काम की नहीं है, तो फिर भी हमें रैम के लिए लूटा जा रहा है। ये सिर्फ आंकड़े होते हैं, जो भी अंक होते हैं जिस जो रैम को बढ़ाता है, ये सिर्फ कस्टमर्स को लुभाने के लिए होते हैं, अरे यार ज़्यादा रैम मिल जाती है, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है रैम काम की आती है, फिर भी मुँह उठाया और लेके आ जाते हैं दोस्तों, ये काम के लिए नहीं है आपके लिए। तो दोस्तों रैम आपके लिए 3 GB 4 GB तक के रैम मोबाइल में रैम हो वो आपके लिए सफिशेंट है बहुत, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत भी नहीं है। 8 GB 10 GB रैम का हम करेंगे क्या, फालतू लूटना बर्बाद होने वाला काम है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके।